हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेस स्वैप एक्सचेंज में एक दो सवाल बनाकर देखते हैं। इसके पहले का जो वीडियो था वो बेस स्वैप एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन का वीडियो था। उसमें मैंने आपको बेस स्वैप एक्सचेंज क्या होता है, इसमें इसके क्या सारे यूजेस हैं, इसमें कितने सारे पार्टीज होते हैं, ये सब कुछ बताया था। ठीक है, तो पहले तो ये सवाल देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2023 मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा फॉर ₹16,000 ऑन क्रेडिट। फॉर दिस कृष्णा ड्रिव अ बिल ऑन मोहन फॉर 3 मंथ्स। क्या 1 जनवरी 2023 को मोहन ने कृष्णा से ₹16,000 का गुड्स उधार में खरीदा और कृष्णा इसके लिए, चूंकि उधार में गुड्स खरीदा था मोहन ने, तो कृष्णा क्या करता है, एक बिल 3 महीने के लिए मोहन के ऊपर लिखता है। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड हॉलीडे अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सिंस कृष्णा वॉज अनअवेयर अबाउट द लॉ रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल, ही हैंडेड ओवर द बिल टू हिज लॉयर who duly presented the bill and received the payment. Regard the necessary journal entries in the books of Krishna and Mohan. क्या है कि क्या बताया, कृष्णा ने मोहन के ऊपर बिल लिखा, कितने का लिखा, ₹16,000 का, और कितने महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए। और जब ड्यू डेट आ रहा है उस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने छुट्टी हॉलीडे डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, अंडर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब जो कृष्णा जो बिल का ड्रॉवर है, बिल को लिखने वाला है, उसे समझ में नहीं आ रहा भाई कि ये तो छुट्टी का दिन है, पेमेंट तो होगा नहीं बिल का, और उसे छुट्टी के इस तरह के छुट्टी के स्थिति में क्या प्रोविजन है बिल के मैच्योरिटी के लेके, इसके बारे में पता नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने लॉयर को बिल थमा देता है कि भाई इसका पेमेंट कराइए। और क्या प्रोविजन है ये हम लोग समझ लेते हैं पहले, अब क्योंकि इस दिन क्या था, इमरजेंसी हॉलीडे। ठीक है ना, क्योंकि अचानक उस दिन गवर्नमेंट ने एक छुट्टी डिक्लेयर कर दिया। यही अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी ऐसा पब्लिक हॉलीडे होता, सार्वजनिक छुट्टी होती, तब तो बिल के पेमेंट के संबंध में क्या है कि अगर पब्लिक हॉलीडे है उस स्थिति में जो ड्यू डेट है उसके एक दिन पहले बिल का पेमेंट किया जाएगा, है ना। और अगर इस तरह का हॉलीडे जो कि गवर्नमेंट ने अचानक डिक्लेयर कर दिया, किसी कोई भी कारण रहा होगा उसके लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दिया, तो ये क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे है, अनफॉर्चुन हॉलीडे है, तो उस स्थिति में क्या, तो उस स्थिति में उस बिल के पेमेंट का डेट एक दिन बाद होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमें जर्नल एंट्री करना है, दोनों के बुक में करना है, तो क्या करेंगे एंट्री, एक तो कृष्णा जो कि ड्रॉवर है, और दूसरा मोहन जो कि एक्सेप्टर। तो सबसे पहले तो भाई 1 जनवरी 2023 को कृष्णा ने मोहन को गुड्स बेचा, तो उसके लिए 2023 में जनवरी 1 को क्या होगा, मोहन से अकाउंट उधार बेचा ना, तो मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स बेच दिया, कितने का बेचा भाई, तो ₹16,000 का, बेइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, और ये गुड्स को परचेज कर रहा है तो अपने क्या एंट्री करेगा, ये उसी रेट को 2023 में जनवरी 1 को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, कृष्णा ना, कृष्णा से खरीद रहा है ना, तो कृष्णा अकाउंट कितने का भाई, तो ₹16,000। क्या लिखेगा, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम कृष्णा, ये गुड्स खरीदने की एंट्री किया, और क्या हो रहा है कि कृष्णा इसके लिए ये जो अमाउंट है जितने का गुड्स भेजा उसके लिए मोहन के ऊपर में एक बिल लिखता है। तो भाई बिल लिखने का तो कोई एंट्री नहीं होता, वो बिल लिखकर क्या करेगा, कृष्णा देगा मोहन को, मोहन उसे एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने के टाइम में जो एंट्री होना है क्या होना है, उसी जनवरी 1 को क्या होगा, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल्स पेएबल अकाउंट, जो एक्सेप्ट करता है बिल को उसके लिए वो बिल क्या होता है, बिल्स पेएबल, उस बिल का पेमेंट उसे करना, कितना भाई, तो भाई ₹16,000 अमाउंट का बिल एक्सेप्ट किया इसने, और ये एक्सेप्ट करके दे देगा कृष्णा को। नरेशन
being a bill accepted for 3 months. अब ये बिल आया इसके पास में जनवरी 1 को, बिल लेगा ये, इसके लिए क्या ये इस बिल का पेमेंट इसे लेना है, इसके लिए ये है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है मोहन, मोहन से, कौन मोहन से ले रहा है ना ये बिल एक्सेप्ट करवा कर, इतने का भाई 16 का being an acceptance for 3 months received. अब क्या है इसके बाद में, इसके बाद में अब इसके ड्यू डेट में, तो ड्यू डेट जब आएगा उस समय पेमेंट होना ना, तो ड्यू डेट कब आएगा, तो मई बिल है 3 महीने के लिए, तो और लिखा कब गया जनवरी 1 को, तो जनवरी 1, फरवरी 1 को 1 महीना, मार्च 1 को 2 महीना, अप्रैल 1 को 3 महीना, तो अप्रैल 1 को 3 महीना पूरा हो जाना है, तो अप्रैल 1 को 3 महीना पूरा हो गया, और इसमें क्या करते हैं फिर 3 दिन ग्रेस पीरियड, डेज ऑफ ग्रेस जोड़ा जाता है, तो 3 दिन और जोड़ देते हैं तो कितना तारीख आएगा 1-3 चार अप्रैल, तो अप्रैल 4 को इसका ड्यू डेट आएगा, अप्रैल 4 को इसका ड्यू डेट आएगा, और चूंकि यहां पे गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दिया उस दिन, छुट्टी डिक्लेयर कर दिया उस दिन, ये इमरजेंसी होलीडे है, उस स्थिति में उसके 1 दिन बाद उसका पेमेंट होना है, ठीक है, तो कब पेमेंट होगा इस बिल का, इस बिल का पेमेंट होगा अप्रैल 5 को, तो अप्रैल 5 को क्या होगा, ये पेमेंट करेगा और बिल वापस लेगा, तो अपने ही एंट्री करेगा, क्या करेगा एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल को वापस लेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा दे देगा, बिल वापस ले लेगा, बैंक पेमेंट में, पेमेंट ऑफ बिल मेड, ठीक है, और ये पैसा लेगा और बिल वापस कर देगा, तो क्या एंट्री करेगा, इसमें पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट है, टू बिल वापस कर देगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 16,000 ये पैसा इसका इसे मिल गया, बिंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। एक और सवाल हम लोग देखते हैं, अब ये देखना अगला सवाल, On 3rd January 2023, A sold goods of ₹60,000 to B. क्या है 3 January 2023 को A ने 60,000 रुपए का गुड्स B को बेचा। 50% of the payment was made immediately by B, on which A allowed cash discount 2%. और जो है 50% payment जो है तुरंत कर दे रहा है B, और जिस पर कि A ने 2% cash discount दिया। For the balance, A drew a bill on B payable after 20 days, और बाकी जो बच जा रहा 50% उसके लिए A ने B के ऊपर 20 दिन के लिए बिल लिखा। यहाँ पे जो बिल लिखा गया उसका टर्म क्या डेज में है, पिछला जो सवाल था उसमें क्या था, उसका जो टर्म था मंथ्स में था, ठीक है। सिंस द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल वाज अ पब्लिक हॉलीडे, A प्रेजेंटेड द बिल ऑन एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच वॉज मेड बाई बी, और जिस दिन पेमेंट का डेट था, जो मैच्योरिटी डेट था, उस दिन पब्लिक हॉलीडे था, और इसलिए ए ने जो इस तरह की छुट्टी के स्थिति में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 80-81 में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ही बिल को प्रेजेंट किया इन्हें, और बी ने उस बिल का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाला सवाल और इसमें, दोनों में छुट्टी है, पर फर्क क्या है, पिछले सवाल में इमरजेंसी हॉलीडे था, किसी कारणवश गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दिया था, तो उस तरह के इमरजेंसी हॉलीडे के स्थिति में जो बिल का पेमेंट होता है वो जो ड्यू डेट आया उसके 1 दिन, अगर उस ड्यू डेट के दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो जा रहा है तो उसके 1 दिन बाद उसका पेमेंट होना है, जो कि हुआ था पिछले सवाल में, अप्रैल 4 को उसका ड्यू डेट आ रहा था पर पेमेंट हुआ अप्रैल 5 को, और यहां पे चूंकि पब्लिक हॉलीडे है तो उस स्थिति में बिल के पेमेंट का डेट, अगर वो बिल का पेमेंट का डेट मैच्योरिटी डेट जो है पब्लिक हॉलीडे के दिन आ रहा है,
तो उसके एक दिन पहले उस बिल का पेमेंट होगा, ठीक है। तो ए और बी, सबसे पहले ए बेचने का और बी खरीदने का एंट्री करेगा ना, तो ए का बुक ये बी का बुक कब, तो 2023 में जनवरी 1 को। आप लोग को बकायदे फॉर्मेट में करना है, ये जो एंट्री करना है मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं, पर आप जब भी करेंगे तो जर्नल का जो फॉर्मेट है उसके अंदर ही ये सारा एंट्री करेंगे। तो जो 2023 में जनवरी 1 को, जनवरी 1 नहीं जनवरी 3 को ना बेच रहा है गुड्स, किसको बेच रहा है, तो बी को। 20 अकाउंट डेबिट, 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना भाई 60,000 रुपए का, बीइंग गुड सोल्ड टू बी, ठीक है। और ये खरीदने का एंट्री करेगा 2023 में जनवरी 3 को, क्या एंट्री होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ठीक है। कितना भाई 60,000 का ना, 60,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए। उसके बाद में क्या कर रहा, अभी तुरंत इमीडिएट पेमेंट कर रहा 50%, तो 60,000 का 50% कितना होगा, 30,000 होगा, ठीक है। 50% पेमेंट इमीडिएटली, है ना, तुरंत किया कितना 50% पेमेंट, तो भाई 50% कितना, 60,000 का 50% 30,000 होगा ना, 60,000 का 50% 0000 30,000। ये जो 30,000 पेमेंट कर रहा है इस पे उससे 2% तुरंत पेमेंट कर रहा है, तो ये डिस्काउंट दे रहा है कि भाई 2% तुम्हें छोड़ दे रहा हूं मैं, क्योंकि तुरंत कैश में पेमेंट कर रहा हूं इतना, तुम 30,000 रुपए, तो 30,000 में कैश डिस्काउंट 2%, तो कैश डिस्काउंट 2%, ठीक है। तो 30,000 का 2% निकालो तो ये 0000 मतलब 600 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 600 का डिस्काउंट मिलेगा, इसे पेमेंट करेगा एको एज अकाउंट डेबिट, उसका बनता है 30,000, उसमें से देगा ये टू बैंक अकाउंट, पैसा कितना देगा 29,400, क्योंकि 30,000 में 600 का मिल रहा डिस्काउंट, और बाकी हो गया टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिला बी को, बी को डिस्काउंट मिला ये 600 रुपए का, इस तरह वो 29,400 रुपया पे करेगा। बीइंग पेड पेमेंट मेड टू ए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 2%, ठीक है, ये हो गया। अब ये यहां पे ये पैसा लेगा, ये क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा 29,400, डिस्काउंट देगा ये, तो इसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, ये दे रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 600 टू क्या नाम है बीज अकाउंट 30,000, ठीक है। मैं रिशन नहीं लिख रहा हूं, जगह कम पड़ जाएगा इसलिए, है ना। अब क्या होगा भाई बाकी के लिए, तो बाकी कितना बच गया, 60 में 30 तो हो गया, 30 का 30,000 रुपए का पेमेंट वगैरह हो गया, बाकी बच गया 30,000, उस 30,000 के लिए इसने बिल लिखा, बिल लिखने का कोई एंट्री नहीं होता है, और वो बिल एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसे पैसा देना है बी को देना है, ये एक्सेप्ट करेगा, तो उसी जनवरी 3 को क्या एंट्री करेगा, ये बिल एक्सेप्ट करके इसे देगा, तो क्या एंट्री करेगा अपनी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है।
कितने का भाई? तो बाकी 30,000 का। नरेशन पिकअप जनवरी 3 को ना। विंग अ बिल एक्सेप्टेड फॉर 20 days, 20 दिन के लिए एक्सेप्ट किया उस बिल का। बिल का टर्म कितना है? 20 दिनों का। अब ये बिल एक्सेप्ट करके इसे देगा, ये भी अपने यहां की एंट्री करेगा, तो उसी जनवरी 3 को बिल ये लेगा, लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या बीज अकाउंट, कितना भाई? 30,000। ये बिल ले लिया, बैंक एंड एक्सेप्टेंस फॉर 20 days रिसीव्ड, ठीक है। अब आ गया इसका पेमेंट का समय और पेमेंट का जो डेट होगा, तो 20 दिन बाद ना, तो डेज में बिल है। बिल लिखा गया था जनवरी 3 को और डेज में है तो डेज में काउंट करेंगे, है ना। वहां मंथ में था तो मंथ में काउंट कर रहे थे, जनवरी फरवरी सीधा मंथ, वहां पे डेज पे ध्यान नहीं दे रहे थे, पर यहां डेज में है तो एक एक दिन पे ध्यान देना है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर डेज में है तो जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन को छोड़कर, तो जनवरी 3 छोड़कर 20 दिन आगे, है ना, 20 दिन के लिए बिल था तो 20 दिन आगे बढ़ते तो कौन सा दिन आ रहा है? तो जनवरी 23 आ रहा है, ठीक है। और क्या रूल है? डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन दिया जाता है, जो जहां टाइम पूरा हो रहा है उसमें 3 दिन और जोड़ा जाता है तब जाकर ड्यू डेट बनता है, तो 3 दिन और जोड़ दें तो क्या आएगा? जनवरी 26, ये पब्लिक हॉलीडे है, रिपब्लिक डे के दिन, तो इस स्थिति में जो बिल का पेमेंट होगा एक दिन पहले होगा, है ना। तो भाई पेमेंट कब होगा? तो जनवरी 26 को आ रहा है ड्यू डेट, तो जनवरी 25 को इसका पेमेंट होगा। जनवरी 25 क्या होगा? बिल्स बी ए बिल वापस लेगा तो लिखेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल वापस ले रहा है टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर देगा ये, कितना? 30,000, 20,000। बिंग पेमेंट मेड, पेमेंट ऑफ बिल मेड। और ये बिल का पेमेंट लेगा और बिल उसे वापस कर देगा जनवरी 25 को, ड्यू डेट से एक दिन पहले। पैसा लेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल, ये वापस करेगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना? 30,000। बैंक पेमेंट ऑफ बिल रिसीव्ड, हो गया। ये दो सवाल हम लोगों ने देखा। इन दोनों सवाल में क्या था? बिल जो है ड्रॉवर के पास, बिल लिखने वाले के पास ही रहता है पेमेंट के डेट तक, और उस बिल का फिर पेमेंट हो जाता है। हाँ, इन दोनों में क्या है, छुट्टी वाला जब जो ड्यू डेट आ रहा था उसे छुट्टी था, हॉलीडे था, एक में पब्लिक हॉलीडे था एक में इमरजेंसी हॉलीडे था, दोनों स्थिति में क्या ड्यू डेट आएगा, किस दिन पेमेंट होगा, ये भी हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया सवाल, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।